ऐतिहासिक जीत है जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज बताया है। पिछले 3 साल से जिस तरह से दिल्ली के जनता के चुनी हुई सरकार के काम को रोकने की कोशिश की जा रही थी, आज माननीय अदालत ने बताया कि चुनी हुई सरकार ही फैसले ले सकती है। एलजी केवल बात है कैबिनेट के फैसले को मानने के लिए, एलजी कोई फैसला अपने बिहार में नहीं ले सकती। अगर कैबिनेट के फैसले से उनकी असहमति है तो अपना फाइल माननीय राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एलजी साहब अब कोई काम में रोड़ा नहीं अटका सकते। जैसा सुबह माननीय अदालत ने कहा, एलजी का काम रोड़े अटकाना नहीं बल्कि चुनी हुई सरकार को काम करने देना है। तो मैं आज दिल्ली की जनता के बिहार पे माननीय उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद करता हूँ, दिल के गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि आपने उन्होंने निर्णय दिया। इसे साबित होता है कि आप जो पहले 2015 से पहले जो पावर सरकार दिल्ली सरकार को थी, वो पावर वापस आ गई है। रुके हुए काम है, काम होंगे। सीसीटीवी कैमरा मोहल्ला क्लिनिक जनता, ऐसे बहुत सारे फाइल, चाहे सीसीटीवी हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक, और कई सारे डिसीजन हैं जिसको पिछले 3 साल लोग नहीं कुछ नहीं जाना। अब वो अदालत में आएगी, जितना काम होगा। और पूर्ण राज में आप लोग का भी क्या ये पूर्ण राज की बेसिकली आज जैसा माननीय अदालत ने कहा, 3 रिजल्ट होते हैं, वो है दिल्ली पुलिस, वो है लॉ एंड ऑर्डर, वो है जमीन न्याय। दिल्ली सरकार को अपनी जमीन होनी चाहिए, चाहे हॉस्पिटल खोलना हो, स्कूल खोलना हो, या लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस होना चाहिए, वो तभी होता पूर्ण राज्य हो। तो पूर्ण राज्य का मान हमारा जारी रहेगा। पूर्ण राज्य होने से लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है, अब दिल्ली को अपनी जमीन मिलेगी, तब बाकी विकास के काम होंगे। तो पूर्ण राज्य की जो मांग है वो जारी रहेगा। आपका इतना लंबा संघर्ष कैसा रहा और 3.5 साल जनता की किस प्रकार बर्बाद? मेजोरिटी से चुनी हुई सरकार, मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार किसी सरकार को इतनी मिली जिसमें मेजोरिटी मिली थी, जितने परसेंट वोट मिले थे। मुझे लगता है कि काम प्रभावित हो रहे थे। ये वास्तव में बड़ा दुखदायी और संघर्ष भरा रहा था।